के उपयोग के लिए भी इन्होंने मोबाइल रखे थे, कुछ गर्लफ्रेंड को देने के लिए भी, फ्रेंड का भी, गर्लफ्रेंड का भी, और बेचने के लिए भी जो एक्स्ट्रा है। पुलिस द्वारा एक मोबाइल स्नैचिंग गैंग को पकड़ा गया है। इसके 5 आरोपी पुलिस ने पकड़े हैं। अभी तक 11 मोबाइल इनसे जब्त हो चुके हैं, साथ में कंप्यूटर भी जब्त हुआ है। अलग अलग स्थानों से इनके द्वारा ये मोबाइल स्नैच किए गए हैं। पुलिस द्वारा इनके धारकों का पता लगाया जा रहा है। संभवतः अन्य जिलों के भी, आसपास के जिलों की वारदातें हैं। गर्लफ्रेंड के लिए इनसे पूछताछ में ये आया है प्रारंभिक कि मोबाइल जो इनके द्वारा छीने जाते हैं, ये स्वयं के उपयोग के लिए, परिचितों को देने के लिए तथा विक्रय करने के लिए, तीनों उपयोग के लिए मोबाइल स्नैच करते हैं। गर्लफ्रेंड के लिए भी बोल रहा है। पुलिस के लिए कोई भी अपराध में जो मशरूका होता है वो जब्त करना प्राथमिकता होता है। अगर किसी आरोपी द्वारा उसके परिचित को या अन्य व्यक्ति को दिया गया है तो पुलिस उससे भी जब्त करती है। अगर विक्रय किया गया है तो जिस व्यक्ति ने जानते हुए खरीदा है कि ये अपराध में या स्नैचिंग या चोरी का मशरूका है, तो उसको भी अपराधी बनाया जाता है। अपराध की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, अपराध की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है कि मोबाइल स्नैच किया गया और उसको पुलिस ने जब्त किया। अभी अभी रिवर्स चलना पड़ रहा है।